नमस्कार। जो परिवार के सदस्य इस चैनल को अपना मानते हैं वो जानते हैं कि इस चैनल के संचालन में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं समय समय पर आपको अपने इस चैनल का सहयोग करने का आग्रह करता रहता हूं। परंतु मुझे अनुभव हुआ कि हो सकता है मैं सही तरह से आपको अपनी समस्या से अवगत नहीं करवा पा रहा हूं। इसलिए इस चलचित्र में रेवड़ राष्ट्र का प्रसिद्ध गंडमरा लाल टोपी आज आपको अपने इस चैनल के उद्देश्य और इसके समक्ष खड़ी कठिनाइयों के विषय में विस्तार पूर्वक बताएगा। हो सकता है लाल टोपी आपके समक्ष अपने इस चैनल का पक्ष रखने में सफल हो जाए। यदि आपको लाल टोपी की बात समझ में आ जाए तो आप घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे अपने इस चैनल का सहयोग करने का प्रयास अवश्य करें। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका मिशन क्या है, आपको फंड कौन करता है। यानी मुझे 15 साल हो गए मीडिया में पाकिस्तान का दिफा करते, नज़रिया पाकिस्तान का दिफा करते, मुसल्ला अफवाज का, ईसाई का दिफा करते, दुश्मनों पर शदीद हमले करते, पूरी दुनिया में दुश्मनों की साजिशों को आश्कार करते, वक्त से पहले कौम को खबरदार करते। यानी फौज और ISI भी जिन महाजों पर नहीं लड़ते उन महाजों पर हम 24 घंटे नॉन स्टॉप बगैर किसी छुट्टी के पिछले 15 साल से लड़ रहे हैं। और अल्लाह के बंदे मुझसे पूछते हैं कि आपका मिशन क्या है और आपको फंड कौन करता है और आपको फंड्स की क्या जरूरत है। बहुत दफा हम इसका जवाब दे चुके हैं लेकिन बालों का जलाल आ जाता है। आपको फंड्स की क्या जरूरत है? पाकिस्तान आर्मी का चाहे सिपा सलार हो या सिपाही हो, वो अपनी जान कुर्बान कर सकता है, अपना वक्त दे सकता है, सख्तियां उठा सकता है अपनी जात के ऊपर, वो जंग कर सकता है, लेकिन वो अपने लिए हथियार नहीं खरीद सकता, वो अपना एमुनेशन नहीं खरीद सकता, वो टैंक और तोपें अपनी जेब से नहीं देता। ये काम रियासत का है। रियासत जब किसी को आगे खड़ा करती है कि तुम रियासत के लिए जान कुर्बान करो, सख्तियां उठाओ, तो साथ ये जिम्मेदारी भी लेती है कि हम तुम्हें वसाइल भी देंगे और हम तुम्हारे बीवी बच्चों का भी ध्यान करेंगे, तुम्हारी फैमिलीज का भी ध्यान करेंगे। और इसके लिए उनको थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, उनको हथियार दिए जाते हैं, उनको वेपन्स एमुनिशन यूनिफॉर्म मिलता है कि जाओ अब अपनी ड्यूटी करो। पूरी दुनिया में कोई इदारा ऐसा नहीं है जो वसाइल के बगैर काम करता हो। और जो जंग हम लड़ रहे हैं ये जंग तो फौज और ISI भी नहीं लड़ रहे। मुझे आप बताइए, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर और हमारा एनालिसिस और हमारी वीडियोस और हमारा जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, क्या पूरे पाकिस्तान में कोई एक अकाउंट भी है जो इतने ज़्यादा महाजों पर बैकवक्त लड़ रहा हो? और पाकिस्तानी कौम मुझसे पूछती है, हमारे बंदे हमसे पूछते हैं यहाँ के लोग कि आप करते क्या हैं, आपका मिशन क्या है, आपको ज़रूरत क्या है फंड्स की। अल्लाह का फजल है, सच्ची बात मुझसे पूछते हो यार, मुझे पता ही नहीं है कि हमें कौन फंड करता है, क्योंकि हुकूमत और रियासत और फौज और ISI तो हमें फंड नहीं करते। हमें सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करने वाले मुसलमान फंड करते हैं। आज हम पर एतराज करते हैं कि आप फंड्स क्यों मांगते हैं, क्या कायदे आजम ने फंड्स नहीं मांगे पाकिस्तान बनाने के लिए? उस वक्त तमाम मुसलमानों ने चंदा दिया है, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 1000 रुपये दिए, स्कूल के बच्चों ने खत मौजूद है 4 आने भेजे, किसी ने 8 आने भेजे, बच्चे ने कहा मैं अपना जेब खर्च में से आपको भेज रहा हूँ। तो हमें कौन फंड करता है? हमें बच्चे फंड करते हैं, स्टूडेंट्स फंड करते हैं, ताजर फंड करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग फंड करते हैं। यकीन करें, कोई 500 रुपये भेजता है, कोई 1000 रुपये भेजता है, कोई 10,000 भेज देता है, कोई 5,000 भेज देता है, और ये थोड़ा थोड़ा करके महीने का हमारा इतना बन जाता है कि हम एक महीना गुजार सकें। वो और एक मरतबा महीने के शुरू में जब हम अपनी एसेट्स को, अपनी टीमों को, अपने साथ काम करने वाले बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, उनको उनके खर्चे और पॉकेट मनी और जेब खर्च उनको दे देते हैं, फिर हमारे पास अगले महीने के लिए नहीं होता और हम चिड़ियों की तरह अल्लाह पे तवक्कुल करके इंतजार करते हैं कि अल्लाह अगले महीने का फिर भिजवा देगा और वो भेजता है। इसीलिए हम कहते हैं हमें नहीं पता हमें कौन फंड करता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों हज़ारों लोग हैं, कोई स्कूल टीचर है, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इस तरह ये मिशन और ड्यूटी चलती है। और अल्लाह का शुक्र है इसकी वजह से हम आज़ाद रहते हैं, क्योंकि जो हमें फ़ंड करते हैं ना वो हम पर एहसान नहीं करते, वो हमारी पॉलिसीज़ कंट्रोल नहीं करते, वो हम पर सख्ती नहीं करते कि आपने ये बात कहनी है, ये बात नहीं कहनी। यही वो वजह है कि हमें हुकूमत और इदारे फ़ंड नहीं करते, क्योंकि हम उनकी मर्ज़ी पर नहीं चलते ना, हम वो बात करते हैं जो पाकिस्तान और अल्लाह उसके रसूल के मफाद में, जो उम्मत के मफाद में। उनकी सियासी मसलियतें होती हैं, उनमें कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, उनमें गद्दार बैठे होते हैं, जाहिर है। इसीलिए दुश्मनी हुकूमतें नहीं, हमारी अपनी हुकूमत भी हमारे खिलाफ, हमारे पाकिस्तान का मीडिया हमारे खिलाफ है। और जो खुशनसीब लोग हैं, जो हमारी मिशन की रिस्पेक्ट करते हैं, जो मिशन को समझते हैं, बहुत सारे अपना वक्त देते हैं इसमें,
वो सोशल मीडिया पे हमारे साथ काम करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन जमा करके भेजते हैं, और जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, कैश दिया है, पैसा है, जो मालदार हैं, जिसमें जिसको अल्लाह जो तौफीक देता है वो उसमें से फिर इस मिशन को फंड भी करता है। हर महीने हमें कहना पड़ता है जी, वैसे तकलीफ दे बात है कि 22 करोड़ का पाकिस्तान है और हर महीने हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यारो ये मिशन चलाना है। ये ऐसे ही है कि पाक फौज के किसी दस्ते को आप मैदान जंग में भेजें और उसको छोड़ दें वहां पे, और हर दफा वो बेचारा हर महीने वो दस्ता मुड़ के पीछे देखे और कहे कि यारो मैं तुम्हारी जंग कर रहा हूँ, तुम लोगों ने हमारे वसाइल भेजने थे, हमारा एमुनिशन भेजना था, हमें खुराक भेजनी थी, हमें गोलियां और तोपें भेजने थे। हमारी टीम पूरी कौम की जंग लड़ रही है। लोग समझते हैं कि तो आसान काम है, हम भी कुछ खबरें डाल दें सोशल मीडिया पे, हमारी वो फॉलोइंग है। ऐसी बात नहीं है। पिछले 15 बरस के अंदर हमारा एक निज़ाम अल्लाह ने बना दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, जो 15 बरस पहले हमने दुश्मन को ज़र्ब लगाई थी, चोट लगाई थी, आज भी उसी तरह लगा रहे हैं। कोई एक मौका कोई बता दे जब हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, यू टर्न लिया हो, घबराए हों, खौफजदा हुए हों, कोई लिहाज कर लिया हो किसी का। ना हमने दुश्मन को कभी माफ़ किया है, ना अपनी सफ़ों के गद्दारों को माफ़ किया है कभी। मैं कहूँगा, मतलब एक्चुअली मुझे तकलीफ होती है इस बात पे कि मुझे क्यों कहना पड़ता है हर महीने के यार हमें मिशन चलाने के लिए, ड्यूटी करने के लिए वसाइल की ज़रूरत है, अल्लाह ने तुम्हें अगर फंड दिए हैं, वसाइल दिए हैं, तो मिशन को कंट्रीब्यूट करो, इसको चलाओ। तो मुझे ज़ात को पैसे तो नहीं दे रहे, मुझ पर क्या एहसान तुम कर रहे हो? अल्लाह का एहसान, तुम नमाज़ पढ़ते हो, मुझ पर तो कोई एहसान नहीं करते। तुम अगर इस पाकिस्तान के दिफा के मिशन में शामिल होते हो, मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अल्लाह का एहसान है कि तुमको इजाज़त दे रहा है कि तुम इस मिशन में शामिल हो। सो वी विल कंटिन्यू, हम नहीं रुकने वाले, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, हम नहीं रुकने वाले। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने हमारे दुश्मन हैं, हमारी कितनी मुखालफत है, कितना ख़तरा है हमारी जान को, वसाइल को, माँ बाप को, बच्चों को, ज़ाहिर है कि खतरात हैं। और हमें इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें महीने में पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं। अल्लाह किसको ज़रिया और सबब बनाता है वो मालिक का काम है, मेरा नहीं। वो चिड़िया जब घोंसले से निकलती है उसको नहीं पता होता कि आज दाना उसको कौन सी दीवार से मिलेगा, हमें भी नहीं पता होता हमें दाना कौन सी दीवार से मिलेगा, आ जाता है। जो खुशनसीब है हमारे साथ होते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस, फिक्र ना करो कि वसाइल नहीं है, अल्लाह देगा, दे रहा है, मिशन इसी तरह चलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाल टोपी ने आपको सभी तथ्यों से भली भांति अवगत करवा दिया होगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे 11 रुपए भेजकर कोई यह कहता है कि भाई और कुछ चाहिए तो बता देना, शर्माना मत। मुझे क्या चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं क्या करना चाहता हूँ यह मैं भी भली भांति जानता हूँ और आप भी। बम बम।